Hello everyone, In Light of Law is back with its new video under the series of Law of Torts. Here I am Sonia, and in this lecture we will discuss difference between the subject of Law of Torts and other branches of law. So basically इस lecture में हम दो topic cover करने वाले. First will be differences between the subject of Law of Tort and crime, and second will be differences between Law of Tort and breach of trust. So let's start with difference between law of tort and crime. And the very first difference is, tort is a private wrong. It deals with the dispute between the individuals, and that is why these wrongs are less serious in nature. इसका मतलब है tort जो है वो एक private wrong है. Tort ऐसे wrongs से deal करता है जो in particularly किसी individuals को affect करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ए ने बी की लैंड पे ट्रेसपास कमिट किया, तो इस केस के अंदर जो डिस्प्यूट होगा वो ए और बी के बीच में होगा. इसका सोसाइटी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. इसीलिए हम कहते हैं कि टोट जो है वो एक प्राइवेट रोंग है. नेक्स्ट मूविंग ऑन क्राइम, तो फर्स्ट डिफरेंस इज क्राइम इज अ पब्लिक रोंग. इट डील्स विद द ऑफेंसेस दैट अफेक्ट public at large, and that is why these wrongs are more serious in nature. As you all know कि crime के अंदर जो offences आते हैं वो काफ़ी serious nature के होते हैं, और ऐसे wrongs होते हैं जो कि society को at large impact करते हैं. For example मान लीजिए एक person ने किसी दूसरे person का murder कर दिया, तो ऐसे cases के अंदर जिसका murder हुआ है और जिसने murder किया है, केस सिर्फ इन दोनों के बीच का नहीं रहता है, क्योंकि मर्डर्स जैसे सीरियस जो ऑफेंसेस होते हैं वो सोसाइटी को बहुत ज़्यादा हद तक इम्पेक्ट करते हैं. सो आई होप ये दोनों डिफरेंस आपको क्लियर हो गए होंगे. नाउ मूविंग ऑन सेकेंड डिफरेंस इन टोट, एन एक्ट फॉर विच द केस इज फाइल इज कॉल्ड रोंग, एंड द इंडिविजुअल डेट कमिट रोंग इज कॉल्ड रोंग डूअर. तो टोट के अंदर हम केस फाइल करते हैं किसी रोंग के अगेंस्ट, और जो रोंग कमिट करता है उसको हम बोलते हैं रोंग डूअर. एंड इन क्राइम हम केस फाइल करते हैं किसी क्राइम या किसी ऑफेंस के अगेंस्ट, और जो क्राइम कमिट करता है उसको हम बोलते हैं ऑफेंडर. ओके, द थर्ड डिफरेंस इज इन टोट कोर्ट प्रोसीडिंग्स आर कॉल्ड सिविल सूट और सिविल प्रोसीडिंग्स. इन टोट इंजर्ड पार्टी और प्लेंटिव इनिशिएट कोर्ट प्रोसीडिंग्स थ्रू हिज ओन लॉयर. तो टोर्ट के जो केसेस होते हैं इसके अंदर कोर्ट प्रोसीडिंग्स को हम सिविल सूट या सिविल प्रोसीडिंग्स बोलते हैं, और इसके अंदर जो इंजर्ड पार्टी होती है वो कोर्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट करती है थ्रू हिज ओन लॉयर. बट जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसके अंदर हम इसको कोर्ट प्रोसीडिंग्स को हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स या पब्लिक प्रोसिक्यूशन बोलते हैं, और ऐसे केसेस के अंदर पुलिस जो होती है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर या गवर्नमेंट लॉयर की हेल्प से इनिशिएट करती है कोर्ट प्रोसीडिंग्स. फोर्थ पॉइंट इज इन टोर्ट इंटेंशन एंड मैलिक डू नॉट मैटर. तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डिफरेंस है कि टोर्ट के केसेस के अंदर अगर आपका इंटेंशन है कोई टोर्ट कमिट करने का, तो जब तक सेकंड पर्सन का लीगल राइट अगर वॉयलेट नहीं होता है तब तक डिफेंडेंट लाइबल नहीं होता है. बट क्रिमिनल केसेस के अंदर अगर आपका इंटेंशन था, मतलब अगर मेंस रिया था क्राइम कमिट करने का, तो भी आप लाइबल हो जाते हो क्रिमिनल केसेस के अंडर. तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डिफरेंस है क्राइम और टोर्ट के बीच. नाउ मूविंग ऑन द फिफ्थ डिफरेंस इज इफ द केस ऑफ प्लेंटिव गेट प्रूव द रोंग डूअर इन टोर्ट इज लाइबल फॉर द रोंग. अगर टोर्ट के केसेस के अंदर प्लेंटिव का केस प्रूव हो जाता है तो हम बोलते हैं कि डिफेंडेंट जो है वो लाइबल है रोंग के लिए. बट क्रिमिनल केसेस के अंदर अगर प्लेंटिव का केस प्रूव हो जाता है तो हम बोलते हैं कि जो डिफेंडेंट है वो है गिल्टी ऑफ द ऑफेंस. गिल्टी मतलब उस ऑफेंस के लिए दोषी है. द सिक्स्थ डिफरेंस इज इन टोर्ट द विक्टिम इज अवॉर्डेड कॉम्पनसेशन. तो ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है कि टोर्ट के केसेस के अंदर विक्टिम को कॉम्पनसेशन दिया जाता है, और कॉम्पनसेशन इसलिए दिया जाता है कि डिफेंडेंट के एक्ट की वजह से जो भी लॉस हुआ था विक्टिम को वो उसको कंपनसेट किया जा सके. बट क्रिमिनल केसेस के अंदर जनरली जो ऑफेंडर होता है उसको
पनिशमेंट दी जाती है ताकि फ्यूचर के अंदर ऐसे क्राइम्स कमिट ना हो। नाउ मूविंग ऑन, द सेवेंथ डिफरेंस इज टॉर्ट केसेस आर कंपाउंडेबल। अगेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है टॉर्ट और क्राइम के बीच में, कि जो टॉर्ट केसेस होते हैं वो कंपाउंडेबल होते हैं, मतलब डिफेंडेंट और जो प्लेंटिफ है वो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, बट क्रिमिनल केसेस जो होते हैं वो नॉन कंपाउंडेबल होते हैं, उसके अंदर जो प्लेंटिफ है और जो डिफेंडेंट है वो आपस में किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट द एक्सेप्शन इन अकॉर्डिंग्स विद द सेक्शन 322 ऑफ CRPC। नाउ लास्ट वी हैव एग्जाम्पल्स टॉर्ट के एग्जाम्पल, लाइक डेफेमेशन, ट्रेसपास, नेग्लिजेंस एक्सेट्रा, ये सारे टॉर्ट के एग्जाम्पल्स हैं। और क्रिमिनल के अंदर मर्डर हो गया, थेफ्ट हो गया, और सेडिशन जैसे केसेस आपके मर्डर के अंदर आते हैं। सो जो बेसिक डिफरेंस होते हैं टॉर्ट और क्राइम के अंदर वो हमने कवर कर लिए हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज कि समटाइम द सेम सेट ऑफ फैक्ट मे कॉन्स्टिट्यूट बोथ अ टॉर्ट एंड अ क्राइम एज वेल। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सेम सेट ऑफ फैक्ट्स की वजह से टॉर्ट भी कमिट हो जाता है और क्राइम भी कमिट हो जाता है। तो ऐसे केसेस के अंदर जो डिफेंडेंट है वो सिविल और क्रिमिनल रेमेडीज दोनों के लिए ही डिमांड कर सकता है, मतलब रेमेडीज यहाँ पे ऑल्टरनेटिव नहीं होती है, वो कॉन्करेंट चलती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक पर्सन है, उसने पब्लिक रोड के ऊपर गड्ढा खोद दिया जिसकी वजह से पब्लिक न्यूसेंस हुआ, तो पब्लिक न्यूसेंस के लिए अंडर सेक्शन 268 ऑफ IPC वो पर्सन लाइबल होगा। और इसी की वजह से मान लीजिए अगर कोई एक पासर बाय था एक्स, वो उस गड्ढे में गिर जाता है जिसकी वजह से उसको इंजरी हो जाती है, तो इस केस के अंदर जो डिफेंडेंट है वो पर्सनली भी लाइबल होगा एक्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट न्यूसेंस जो है वो कमिट हुई है। इसीलिए इस केस के अंदर डिफेंडेंट जो है वो सिविल और क्रिमिनल दोनों लॉज के अंदर लाइबल होगा। ओके, सेकंड इज इन सम केसेस द सेम फैक्ट मे कॉन्स्टिट्यूट टू सिविल रॉन्ग्स। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सेम फैक्ट्स की वजह से दो सिविल रॉन्ग्स कमिट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए ने अपनी बाइक बी को दी बेलमेंट के लिए और ए ने उस बाइक को यूज़ करना शुरू कर दिया और वो बाइक जो है वो डैमेज हो जाती है, तो इस केस के अंदर जो बेलर है वो सेपरेटली डिमांड नहीं कर सकता ब्रीच ऑफ बेलमेंट के लिए और टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस जिसकी वजह से वो डैमेज हुई, वो एक ही चीज़ के लिए डिमांड कर सकता है प्लेंटिफ से। ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ टॉर्ट एंड क्राइम। नाउ मूविंग ऑन, वी हैव डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। सो द वेरी फर्स्ट डिफरेंस इज टॉर्ट ओज इट्स ओरिजिन टू द कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड। तो टॉर्ट का जो ओरिजिन है वो होता है कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड से, जबकि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हैव इट्स ओरिजिन टू द इक्विटी कोर्ट और द कोर्ट ऑफ चांसरी। तो जो कोर्ट ऑफ चांसरी है इट वॉज बेसिकली एस्टेब्लिश टू हैंडल दोज पर्टिकुलर केसेस डेट कुड नॉट बी रिजोल्व इन कॉमन लॉ कोर्ट्स। सो इट इंक्लूडेड द केसेस रिलेटेड टू मेंटल डिसेबिलिटी, जुविनाइल इश्यूज, केसेस रिलेटेड टू लैंड एंड एनफोर्समेंट ऑफ विल्स एंड ट्रस्ट एक्सेट्रा। द सेकेंड डिफरेंस इज इन टॉर्ट ड्यूटीज आर इम्पोज बाय द लॉ। तो टॉर्ट के अंदर एज वी ऑल नो की ड्यूटीज जो है वो इम्पोज की जाती है लॉ के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल आप किसी की लैंड के ऊपर ट्रेसपास कमिट नहीं कर सकते हो, आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो उसके लिए आप लॉ के अंडर लाइबल होगे। बट इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ड्यूटीज आर इम्पोज बाय द पार्टी देमसेल्फ। द थर्ड डिफरेंस इज लॉ ऑफ टॉर्ट इज अनकोडिफाइड। एज वी ऑल नो टॉर्ट हैज इट्स ओरिजिन फ्रॉम कॉमन लॉ, इसीलिए जो टॉर्ट है वो अनकोडिफाइड है, बट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज अ कोडिफाइड लॉ। द फोर्थ डिफरेंस इज इन टॉर्ट देयर इज राइट इन रैम, इट मीन्स राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके लैंड पे किसी ने ट्रेसपास किया तो इसके लिए फिक्स नहीं है कोई पर्टिकुलर पर्सन, मान लीजिए ए या बी अगर आपकी लैंड पे ट्रेसपास कमिट करेगा तभी आप सूट फाइल कर सकते हो, बल्कि कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी इंसान अगर आपके लैंड के ऊपर ट्रेसपास कमिट करता है
तो आप सूट फाइल कर सकते हो उसके अगेंस्ट. बट इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट देर इज राइट इन पर्सोनिम, मीन्स राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल. तो जैसा कि हमें पता भी है कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, तो उसके अंदर आप सूट फाइल कर सकते हो सिर्फ अपोजिट पार्टी को, आप किसी थर्ड पर्सन के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकते. द फिफ्थ डिफरेंस इज रेमेडी इन टोर्ट इज सिविल एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस. इसका मतलब है टोर्ट के अंदर डैमेजेस जो होते हैं वो अनलिक्विडेटेड होते हैं, मतलब प्री डिटरमाइंड नहीं होते हैं. बट इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट रेमेडी इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस. सिक्स्थ पॉइंट इज टोर्ट इज पार्शियली रिलेटेड टू द लॉ ऑफ प्रॉपर्टी व्हाइल ट्रस्ट इज अ ब्रांच ऑफ लॉ ऑफ प्रॉपर्टी. So it is all about today's lecture. If you find our video useful, please like, share and subscribe to our channel. Thank you.